भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी, जिनको खेलता देख हमें बहुत अच्छा लगता है और हमेशा हमारी आंखें जो हैं उन्हें इवेंट में जीतता हुआ ही देखना चाहती हैं, या फिर कह लो आदत पड़ गई है, या फिर हमें इतना प्यार है कि वो जिस भी इवेंट में खेलते हैं हम उन्हें देखते हैं, या नहीं खेलते हैं तो थोड़ा अफसोस होता है कि वो क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो दोस्तों वैसे ही मैं इस वीडियो में आपको अपडेट देने वाला हूं डायमंड लीग पेरिस में जैवलिन थ्रो के इवेंट में। अभी तक अपडेट आ रही थी कि वो खेलेंगे, लेकिन जस्ट एक अपडेट हुआ है आर्टिकल न्यूज चैनल के थ्रू, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग पेरिस से ऑप्ट आउट कर लिया है, अपना नाम बाहर ले लिया है, वो डायमंड लीग पेरिस जैवलिन थ्रो इवेंट में नहीं खेलेंगे। तो सच में ये चिंताजनक बात है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि अच्छी बात है कि ओलंपिक्स के लिए, पेरिस के लिए फुली फिट खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे, जो कि प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर रेस्ट के बाद दिखाई देंगे। उनको थोड़ा सा ग्रोनिल स्ट्रेन है, मतलब कि कहां पर पेन है मैं आपको समझा देता हूं इस पिक्चर के थ्रू। आप देख सकते हैं जो ये घुटने के ऊपर वाला पोर्शन, लगभग 2 फुट ऊपर, ठीक है, जहां पर अपना जॉइंट्स होता है दोनों लेग का, उसके बीच में एक खिंचाव उनको नजर लगता है, फील होता है जब भी वो जैवलिन थ्रो करते हैं, अपनी लेग्स को थोड़ा स्प्रेड करना पड़ता है उस टाइम पर, एक छोटा सा स्ट्रेन फील होता है उनको, है ना। तो उन्होंने ऐसा कहा कि ये काफी लंबे समय से चल रहा है, जो 4-5-6 महीने से हम सुनते आ रहे हैं कि इनको यहां पर बार बार एक मसल स्ट्रेन, मतलब कि खिंचाव जैसा महसूस होता है, उसके ऊपर ये ट्रेनिंग और उसके ऊपर ये थेरेपी भी कर रहे हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग्स चल रही हैं, ठीक है। तो ये उसी को प्रॉपर ठीक करने के लिए इस इवेंट से नाम बाहर ले रहे हैं। दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है, या तो ये सिर्फ ओलंपिक्स के लिए रेस्ट चाहते हैं हमारे नीरज भाई, और चाहते हैं कि डायरेक्ट ओलंपिक्स में ही कुछ ऐसा चीरफाड़ कर दें जो उनके ओपोनेंट्स लेटेस्ट इन इवेंट्स का, मतलब कि हर कोई ओपोनेंट जो होता है वो लेटेस्ट इवेंट की वीडियो देखता है, उसके कितने थ्रो जा रहे हैं, कितनी इसकी ताकत है, कितनी स्किल्स हैं, वो देखना चाहता है, वो देखते हैं सारे खिलाड़ी। तो शायद इसलिए नीरज चोपड़ा जी ऑप्ट आउट कर रहे होंगे हर इवेंट से लगातार, है ना, जिस इवेंट में भी खेले उतना उन्होंने उतना ज्यादा थ्रो नहीं किया था, तो ये एक रीजन हो सकता है, मेरा ये मानना है। सेकेंड ये रीजन हो सकता है कि भाई ये पेन जेन्युइन हो, जिसमें उनको ये स्ट्रेच थोड़ा सा टांगे खींचने में जब जैवलिन थ्रो करते हैं उस टाइम पर अपना स्ट्रेच देना पड़ता है, सारी पूरी मसल, एक एक मसल को फील करके, पुश करके जब जैवलिन थ्रो करते हैं तो वहां पर कुछ खिंचाव महसूस होता है, और ये रियल बात हो, जेन्युइन बात हो, तो इसी वजह से वो शायद स्ट्रगल कर रहे हैं जैवलिन को ज्यादा दूर डिस्टेंस पे थ्रो करने से। दो रीजन है, दोनों मैंने बता दिए हैं, कुछ भी हो सकता है, जो उनको पर्सनली जानता है खैर वो चीजें उन्हीं को पता होंगी। मैं तो यही चाहूंगा कि कोई इंजरी ना हो, वो जानबूझकर ऐसे छोटे मोटे, मतलब इवेंट छोटा मोटा तो नहीं है बट ठीक है, जो अपने इवेंट्स हैं ओलंपिक के बराबर नहीं है जो इवेंट्स, उनसे वो ऑप्ट आउट करते हैं, तो मेरे हिसाब से दैट इज गुड, ठीक है। इन इवेंट्स पे भी फोकस नहीं करना चाहिए, ओलंपिक में मेडल आ गया तो वो हमारे लिए डायमंड लीग का डायमंड भी इक्वल रहेगा, राइट। तो सेकंड फर्स्ट वाली चीज ठीक है, सेकंड वाली चीज अगर होती है उनको सच में इंजरी है अपने जो पैरों के बीच में जहां पर इनको स्ट्रेच फील होता है, अगर वैसा कुछ है तो वो जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा, क्योंकि सिर्फ अभी 25 दिन बचे, आज का दिन तो चुके चला गया, लगभग 24 दिन बचे हैं अब ओलंपिक्स में। ऐसे में एक एक छोटी छोटी मसल स्ट्रेन, इंजरी, हैमस्ट्रिंग वगैरह बहुत दिक्कत दे सकती है। तो भगवान नीरज चोपड़ा को जल्दी से फिट एंड फाइन करिए, या फिर पहली वाली बात सच हो तो ठीक है उतना चलेगा, सारे इवेंट्स में तो नीरज चोपड़ा नहीं खेल सकते ना, और खेलेंगे तो फिर उसके बाद ऑब्वियस है कि मेन इवेंट में थोड़ा सा टायर्ड फील तो करेंगे करेंगे। बाकी होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या रहेगा नीरज चोपड़ा जी के लिए, जो अपडेट था मैंने आपको दे दिया है, फिलहाल अभी डायमंड लीग में खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं हमारे नीरज चोपड़ा। चलिए दोस्तों, मिलता हूं आपसे नई वीडियो के नए अपडेट में, देखते रहिए पहाड़ी ब्रदर्स ऑफिशियल स्पोर्ट्स चैनल। जय हिंद, जय भारत।